पोल खोल पोस्ट की मासिक पत्रिका में विज्ञापन और समाचार देने के लिए संपर्क करें 07805-266-080। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। झारखंड सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। राज्य सरकार किसानों को सालाना 5,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देगी। यह राशि सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना होगा, जिसमें अधिकतम 5 एकड़ तक के किसान को फायदा मिलेगा। इस योजना से झारखंड के कुल 22 लाख किसान लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। दास के मुताबिक 2019 और 2020 से राज्य सरकार झारखंड के किसानों को 5,000 रुपए प्रति एकड़ खरीफ के फसल के लिए हर साल प्रोत्साहन राशि देगी। 1 एकड़ से कम खेत वाले को भी न्यूनतम 5,000 रुपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ोतरी के लिए 2250 करोड़ की राशि खर्च करेगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बताया, वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में इस योजना को शामिल किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने में यह योजना काफी मददगार होगी। किसानों को बीज, खाद, अन्य कृषि निवेश के लिए दूसरों पर या बैंक पर निर्भर नहीं रहना होगा। उन्हें खेती के लिए किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि यह योजना पूरी तरह से किसानों के कल्याण के लिए होगी। किसानों के खाते में राशि सीधे भेजी जाएगी, जिससे वे फसल के लिए बीज, खाद आदि बाजार से खरीद सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की खुशहाली के लिए लगातार प्रयासरत है। वर्तमान में 14.85 लाख किसानों की फसल बीमा के लिए प्रीमियम भी राज्य सरकार भर रही है। किसानों को 0% ब्याज पर लोन दिया जा रहा है। हमारे चैनल में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव निरंतर भेजते रहिए। एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ और भी नजदीकी से जुड़े रहिए। नमस्कार। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और डाउनलोड करें पोल खोल पोस्ट पर यूट्यूब और फेसबुक से तेज समाचार।